नमस्कार, आप सब श्रोताओं को आपको स्वागत है आपके ही YouTube चैनल पर, जहां पर हम हर दिन के ईश्वरीय वरदान के बारे में चर्चा करते हैं। 5-10 मिनट में जो भी हम इससे सीख ले सकते हैं उसको हम आगे लेकर के अपने जीवन में जितना परिवर्तन कर पाएं उतना ही हमारे लिए भला, औरों का भी भला, आस पास जो रहने वाले लोग हैं हमारे, स्पेशली हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो ये वरदानों को जब हम अपने जीवन में अपनाएं तो उसका भला सिर्फ हमको ही नहीं, हमारे फैमिली को भी होता है और आसपास के लोगों को भी होता है। तो आज आपका भाई दूज, मतलब कि भाई टीका जिसको कहा जाता है, यहाँ पर बहनें अपने भाइयों को अपनी रक्षा करने के लिए एक टीका लगाती हैं और हमेशा ये कहती हैं कि आप अपने मन से टिके रहना अपने जीवन में, आप आगे बढ़ते रहना जीवन में, और आप आगे बढ़ोगे उसमें मैं भी आगे बढ़ पाऊंगी। तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में ही आगे बढ़ना है, परमात्मा हमें ये सिखाते हैं, मन को टिकाने से ही सबका भला है। तो देखें, आज परमपिता परमात्मा आज के दिन पे हमें क्या मैसेज देते हैं। बाबा कहते हैं एक रस स्थिति द्वारा, जब तक हम अपने मन को टिकाएंगे नहीं तब तक एक रस स्थिति नहीं होगी। और मन को टिकाएं भी तो किस पे टिकाएं? आत्मा के ज्ञान पे अगर हम टिकाते हैं तो आत्मा का ज्ञान सत्य है, शरीर का ज्ञान तो हमेशा बदलता रहता है, चाहे कपड़े से लेकर के देखो चाहे चीज़ों से लेकर के देखो, हर चीज़ हर सेकंड बदल रही है। तो आत्मा जो है वो स्थिर हो सकती है जब इन सारी चीज़ों के आकर्षणों से दूर हो जाए, उसके लिए एक रस स्थिति बनानी बहुत ज़रूरी है, वो होती है मेडिटेशन या राजयोग के ध्यान के द्वारा। तो परमात्मा कहते हैं एक रस स्थिति द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, इन इंद्रियों का सुख तो हमने बहुत ले लिया, जीवन भर हमने खान पान से ले लिया, चीज़ें पहन करके ले लिया, चीज़ें खरीद करके ले लिया, सुंदर सुंदर चीज़ें देख करके ले लिया, सुंदर सुंदर जगहें घूम करके ले लिया, लेकिन परमात्मा कहते हैं तब भी जो संपूर्ण सुख है वो कभी नहीं मिला, अंदर से खालीपन नहीं रहा हमेशा। तो वो संपूर्ण सुख केवल परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं, जो कि हम आत्माओं को चाहिए, हम आँख को नहीं, हम कान को नहीं, हम मुख को नहीं, हम शरीर को नहीं, तो हम आत्माओं को चाहिए। तो बाबा कहते हैं सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। देखिए विस्तार में, जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बने, जब इनसे हम मुक्त बने, इंद्रियों के आकर्षण से चीजें देखना अच्छी अच्छी अच्छा अच्छा सुनना अपने बारे में केवल, और कोई हमारे बारे में अच्छा बोले और हम कुछ अच्छा लगाएं, कुछ अच्छा खरीदें, केवल इन चीज़ों के अगर आकर्षण में रहते हैं और संबंधों के आकर्षण में रहते हैं, ये मेरा वो मेरी, तो और दुख पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं से मुक्त बनो तब अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो। जो अति इंद्रिय सुख, जो हमारी छठी इंद्री है, ये तो 5 इंद्रियों के सुख हो गए सारे जिनमें हम उलझे रहते हैं। परमात्मा कहते हैं 6th सेंस, मतलब कि छठी इंद्री का सुख लेना है जो कि इन शरीर के सुखों से भी कहीं परे है। तो क्या करना पड़ेगा? इन इंद्रियों के सुख से थोड़ा सा दूर और संबंधों के सुख से थोड़ा सा दूर, तब जाकर के क्या होगा, हमें अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्री के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वे अति इंद्रिय सुख का हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। स्पेशली जब हम ब्रह्म कुमारी इसमें कोर्स करते हैं 7 डेज का, तो हमारी यात्रा शुरू होती है। स्टार्टिंग में तो हमारा मेडिटेशन बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा लिंक होता है हमारा, क्योंकि उस समय परमपिता परमात्मा खींच रहे होते हैं अपनी शक्ति से हमें, और कहते हैं कि तुम अभी छोटे बच्चे हो तो मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा। और फिर वो कहते हैं कि बच्चे मैं जो तुम्हें सिखाता हूँ ताकि तुम्हारा ये अतींद्रिय सुख सदा काल के लिए रहे, उसलिए तुम्हें खान पान में ये परिवर्तन करना पड़ेगा, बोल चाल में ये परिवर्तन करना पड़ेगा, हर दिन तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़ेगा, और अगर हम उसको करते रहे तो हमारा जो अतींद्रिय सुख है वो एक तरीके से निरंतर चलता रहता है। लेकिन वहां पर भी अगर हमने कहीं ना कहीं गफलत करी, कोई पाप कर्म कर लिया, कोई परमात्मा ने कही हुई चीज को अगर हमने माना नहीं और हम इंद्रियों के आकर्षण में डूब गए, चाहे वो धन में डूब गए, चीजों में डूब गए, संबंधों में डूब गए, संबंधों को संभालने में डूब गए, जिसको कहता है मोह कहा जाता है, या चीजों के मोह में फंस गए, या अपने ही शरीर के मोह में फंस गए, या अपने ही अभिमान में फंस गए, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारा जो अति इंद्रिय सुख था वो आस्ते आस्ते फीका पड़ता रहता है, फिर तुम्हें सत्य की पहचान कम होती जाती है और तुम असत्य की दुनिया में और खिंचते चले जाते हो। फिर बाबा कहते हैं वह अतींद्रिय सुख व हर्ष दिलाने के में बंधन डालते हैं, तो बंधन डल जाते हैं,
मेडिटेशन नहीं होती उसके बाद में। फिर प्रमाद कहते हैं, लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एकरस अवस्था बनने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अब परमात्मा ने कहा है कि इंद्रियों के सुख से दूर हो, इसका मतलब हम किसी भी पांच तत्वों की चीज, फाइव एलिमेंट्स की बनी हुई चीज, चाहे वो सुख के पदार्थ हो चाहे सेवन के पदार्थ हो, उनमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते, ना ही हम मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं तो हम किसी मूर्ति को सामने रख करके उसमें ध्यान लगे, वो भी नहीं हो सकता, ना ही हम दिए को देख करके उसमें ध्यान लगे, उससे भी नहीं हो सकता, ना ही कोई एक पॉइंट पे देख करके ध्यान लगे, उस पर नहीं हो सकता। तो हम अपने संकल्प को लगाएं कहाँ पर ध्यान, जैसे कि हमें इन इंद्रियों से कुछ ना लेना हो, छठी इंद्रिय से हमें सुख मिलना शुरू करें। उसके लिए हमें परमपिता परमात्मा से अपना लिंक जोड़ना बहुत जरूरी है। वो लिंक जो होता है वो आत्मा को सुख देता है, जो कि इन इंद्रियों से हमें महसूस नहीं हो सकता। कुछ देर के लिए स्वाद हुआ, कुछ देर के लिए अच्छा सूंघने के लिए मिला, कुछ देर के लिए अच्छा देखने के लिए मिला, कुछ देर के लिए अच्छा सुनने के लिए मिला, उसके बाद फिर से डाउन, थोड़ी देर के लिए हाई हुए, फिर से डाउन हो गए, मूड ऑफ हो गया। तो परमात्मा कहते हैं वो ना हो, उसके लिए मुझे अपने को आत्मा समझ करके मेरे साथ लिंक जोड़ो, तब जा करके वो कनेक्शन हमेशा के लिए बैठेगा, जिसमें विघ्न पड़ता है, क्योंकि हमारी आदतें बनी हुई है ना इंद्रियों के सुख लेने की। घड़ी घड़ी हम गिरते हैं, फिर हम समझते हैं, संभलते हैं, फिर जाके हमें समझ आती है, अच्छा परमात्मा ने ये कहा था, ये नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है, क्योंकि वो लज जाओगे, फंस जाओगे बंधनों में और समाते जाओगे दलदल में। तो आज परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम उस अतींद्रिय सुख को महसूस करें, उसके लिए वो ज्ञान क्या है, उन चीजों से हम छुटकारा कैसे पाए, इंद्रियों के सुख से हम उन सुखों में होते हुए भी उनसे हम कैसे ना उलझे, उसके परमात्मा ने हमें युक्तियां बता के रखी हुई हैं, जो कि हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जहाँ पर आपका भी स्वागत है, और वहां पर जाकर के आप अपने लिए ज्ञान लेते हैं, औरों के लिए नहीं, अपने आप को चेंज करेंगे तो और आपके आसपास भी चेंज हो जाएंगे। चलिए, तो आज का ये ईश्वरी वरदान, आपका दिन शुभ हो, दिन तो क्या, अब आपकी रात्रि शुभ हो, शुभ रात्रि, ओम शांति।